जनपद में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और नागरिक सुरक्षा कोर की टीम के माध्यम से आपदा को रोकने के लिए आपदा मित्र को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसके संबंध में आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि जनपद में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, आपदा प्रबंधन योजना के तहत आपदा मित्र जिस क्षेत्र में निवास करते हैं उस क्षेत्र की आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि जनपद के 70 से 75 गाँव के लोगों को आपदा प्रबंधन योजना बनाई जाएगी तथा वहाँ लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा कि घरेलू संसाधन से इस तरह से बचा जा सकता है। ट्रेनिंग द्वारा बताया जाएगा, इस योजना में आपदा साथी भी कार्य करेंगी तथा बंधा रोड मैपिंग जो गांव बाढ़ क्षेत्र हैं, वहां पर बेहतर से बेहतर कार्य किया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, आपदा मित्र और आपदा सखी हमारे स्वयं सेवक हैं। गोरखपुर में हम लोगों ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और नागरिक सुरक्षा जो कॉम्पिटेंट एक टीम है उसके माध्यम से हम लोगों ने आपदा मित्र को प्रशिक्षित किया है गोरखपुर में। ये बेसिकली जो हमारे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में स्वयं सेवक है, चूँकि इन्हें हम किसी प्रकार का कोई मानदेय नहीं देते हैं, लेकिन ये है कि ये स्वेच्छा से हम लोगों के साथ आपदा के दौरान कार्य करते हैं और आपदा से पूर्व लोगों को जागरूक करने में भी हमारी मदद करते हैं। आपदा मित्र के साथ हम लोग इस बार एक जो जिस क्षेत्र में वो निवास कर रहे हैं उस क्षेत्र की आपदा प्रबंधन योजना हम लोग बनवाने जा रहे हैं। एक पूरी तरीके एक योजना का प्रारूप बेसिकली कम्युनिकेशन प्लान के रूप में है, ताकि हम लोग एक बेहतर कम्युनिकेशन प्लान ग्रास रूट लेवल तक कर सके, और इसके लिए आपदा मित्रों को एक निर्धारित प्रारूप एक फॉर्मेट हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। और ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आपदा मित्रों ने इसमें सहर्ष प्रतिभाग किया है और वे इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। साथ ही कुछ आपदा सखियों ने भी अपना इसमें कंट्रीब्यूशन देने की बात कही है, तो एक अच्छा ये रहेगा जिसमें हम लोग तकरीबन गोरखपुर के 70 से 75 ग्रामों की आपदा प्रबंधन योजना बनाएंगे और वहाँ के लोगों को प्रशिक्षित करेंगे घरेलू संसाधन से किस तरीके से हम अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, उसके संबंध में भी ग्रास रूट लेवल पर ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह ऑर्गेनाइज करेंगे आपदा मित्र हमारे और आपदा सखियाँ इसमें इन्वॉल्व रहेंगी। तो इस तरीके से पूरा एक जो आपदा मित्र और आपदा सखी हैं वो इस पूरे कार्य को पूर्ण कराने में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गोरखपुर का सहयोग कर रहे हैं। सर कितने गांव चिन्हित किए गए हैं? देखिए अभी हम लोगों ने फर्स्ट फेज में 75 गांव को लिया था कि 75 गांव की योजना हम लोग बना सकें, वहां का कम्युनिकेशन प्लान बना सकें। तो अभी हम लोगों ने ऑलमोस्ट 75 विलेजेस को सेलेक्ट कर लिया है और इस सभी जो विलेजेस हैं उन सभी का जो हमारा जो वहां का सोशल मैपिंग है, फ्लड मैपिंग है, रिसोर्स मैपिंग है और जो हमारा अल्टरनेट रोड मैपिंग है वो सारा चीज़ें भी उसके साथ हम लोग पूरा करेंगे, ताकि लोगों को मतलब जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर बेहतर से बेहतर कार्य किया जा सके।